And of course, I will bow down to the souls of my parents. And I connect to their being there around me in the spirit form. And all the other wonderful spirits, चाहे वे मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, या जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं, वो सब हम सबको हेल्प करें, गाइड करें, मदद करें, एंड लेट अस ऑल क्रिएट सम मिरेकल्स फॉर आर सेल्फ. सो अब जब हम मीडियमशिप की बात कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स अगर आप लोग अपने वीडियो को ऑन रख लें तो लेट्स मेक इट वेरी इंटरेक्टिव, बिकॉज अगर मीडियम सीखने का है या सिखाने का है तो उसका सबसे पहला तरीका है कि वी शुड बी एबल टू टॉक, है ना. क्योंकि जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर अगर हम वो जने को देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको सुन नहीं पाएंगे, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा हमारा कम्युनिकेशन? क्या बोलते हैं आप लोग? एग्जैक्टली नहीं होगा ना कम्युनिकेशन. तो अगर आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आप मीडियमशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम तो यही है कि हमको देखने को होना चाहिए, सुनने को होना चाहिए, समझने को होना चाहिए, फील करने को होना चाहिए, है ना. तभी तो हमें लगेगा कि जो हमको अंदाजे लग रहे हैं या हमको जो समझ में आ रहा है वो सच है, हकीकत है, रियलिटी है, राइट. सो प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन. कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कोई जादू मंतर नहीं होने वाला है. सो अब अगर मैं मीडियमशिप की बात करूं, तो मीडियमशिप आपको क्या लगता है? चलिए पहले ये तो है, व्हाट इज मीडियमशिप, चलो इसको स्टॉप शेयर करते हैं. अब आप लोग बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि अगर कोई मीडियमशिप की बात करता है तो उसका मतलब क्या होता है या क्या नहीं मीडियम एक होता? माध्यम, हाँ जी, मीडियम एक माध्यम है, माध्यम ओके, वेरी कनेक्टिंग गुड. विथ कनेक्टिंग विद सोल, वेरी गुड. सोल मैम, चैनल और ब्रिज बिटवीन टू थिंग्स, या कुछ भी हो सकती है. ओके, करेक्ट. बिटवीन टू थिंग्स, तो ऑफ कोर्स टू थिंग्स मतलब एवरीथिंग हैज अ सोल, राइट. एग्जैक्टली, मतलब कोई भी हाँ. चीज मीडियम, हम मीडियम, आमने से मीडियम वर्ड का मतलब जानना है, तो मीडियम तो ब्रिजिंग हाँ और चैनलिंग और माध्यम ही होता है. करेक्ट, मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाला आप बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट. तो बिल्कुल, अगर हम कनेक्ट करने वाले की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में हैं, है ना, जैसे कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, राइट. अभी हमको, हम दोनों को कनेक्ट कौन करा रहा है? जूम करा रहा है, राइट. या हम कह सकते हैं कि ऑकल्ट साइंस करा रहा है कि आप और मैं एक साथ एक दूसरे के संपर्क में आ पा रहे हैं, राइट. और अब आप मेरी फोटो भी देख पा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो कोई रियल पर्सन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, करेक्ट. या आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ, जो भी आवाज सुनाई दे रही है वो किसी के मुंह से ही निकल रही है और उसका नाम मोनिका अलवालिया है बिल्कुल कि नहीं. हाँ, सो बेसिकली मतलब ये जो हमारा मीडियम है वो जूम है यहाँ पे, है ना. पर हम दोनों एक दुनिया में ही हैं, जो जीवित लोगों की दुनिया है, करेक्ट. सो जब हम जीवित लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली माचिस मेरे ड्रेस में क्या कर रही है? है ना, हम फिजिकल बॉडी में हैं, इसलिए हम जीवित हैं. क्या आप ये सोचते हैं? आपको क्या लगता है, अगर हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहती है तो हम जीवित नहीं रहते? ना ना रहते जीवित रहते रहते, हैं. लेकिन जीवित रहते अस्तित्व रहता, लेकिन मतलब विजिबल नहीं होते। हाँ विजिबल नहीं होते, तो विजिबल होना बहुत जरूरी होता है ना. आप क्या सोचते हैं, अगर आपको कोई चीज दिखाई सर, देती है, तो अगर उसमें आपको विश्वास रखना है कि वो चीज है, तो क्या उसका दिखना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उसका हम सेंस ले सकते हैं, उसका मतलब कुछ स्पर्श ले सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके भगवान का ही है, या हमारे भगवान का ही है. भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये विश्वास रखते हैं कि भगवान जीवित है ना, कि नहीं. तो यस 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 आप भगवान से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? भाई, बाय वे ऑफ प्रेयर, बाय वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर थॉट्स टू
हिज गुड सेल्फ। ओके और आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपको कभी जवाब देते हैं? यस मैम, कैसे यस होते जवाब? हैं, एंजल होता है। नंबर्स दिख जाते हैं कभी, ओके खुशबू नहीं, आ जाती है। कुछ थॉट भी आता है जो आगे चल करके हो जाता है, तो मतलब उनका मतलब वही बात हुआ कि हाँ जवाब दे ड्रीम्स रही आ है। जाते हैं, फ्लैशेस, इमेजेस आ जाती हैं। मतलब आपको सपने में भगवान आते हैं? मेडिटेशन में मैम दिख जाते हैं, मतलब नहीं, सपने में भी दिखते ब्रह्म हैं, मुहूर्त में उठ के सपने ओके में भी दिखते हैं कभी कभी। अच्छी बात है। फिर आपको तो सब कुछ दिखता है, फिर क्या सीखना है? नहीं, सपने में कभी कभी तो दिखते हैं, लाइक देवी माँ दिखती है, कुछ बोलना होगा तो। ओके लेकिन आप उनकी बातों को इंटरप्रेट कर पाती हो? आप दूसरे अपने हस्बैंड को या अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताती हो कि हाँ मुझे आज भगवान आए थे मेरे सपने में और उन्होंने जो मुझे बोला वो ऐसे ऐसे बोला है, तो कोई हंसेगा नहीं तो नहीं ना आप पे? नहीं नहीं मेरे हंसेगा। को बचपन से इशू है, लेकिन मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। लाइक वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं इंटरप्रेट होता है, बिकॉज मैंने जब भी मैंने देखा है मैं उनके सामने सिर्फ रोती रहती हूँ। अभी क्यों रोती हूँ वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कभी। अब भी अभी जाके मैं बोलने लगी हूँ कि मुझे बचपन से दिख रहा है, जबकि वो ओके हमें बाद में पता चला वो हमारा कुल देवता दिखती थी हमें, और कुल ओके देवता का काम नियरली 400 ईयर से हुआ नहीं है हमारा एंसेस्टर, हमें वो इशू है, इसीलिए ओके दिखता था मुझे। ओके मतलब आपको भगवान ईश्वर या कुल देवता दिखाई देते हैं, माता रानी, और हाँ मतलब आपको उस जब आपको वो दिखते हैं तो क्या आपको डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नो, राइट करेक्ट। इसका मतलब वो कोई स्केरी चीज नहीं है, भले नहीं वो इस दुनिया में जीवित नहीं है, वो है तो हम जैसे बोलते हैं कि हेवन में रहते हैं भगवान या ऊपर रहते हैं भगवान, तो वो जहां पे भी रहते हैं अगर वो हमें दिखाई देते हैं तो हम उनको देखकर डरते नहीं है। राइट करेक्ट। ना हम ये सोचते हैं कि कोई सुपर नेचुरल चीज है, कुछ सुपरस्टिशियस चीज है, कुछ नॉर्मल चीज नहीं है। ऐसा कोई बोलता है कि अगर भगवान किसी को सपने में दिख गए कि अरे ये तो नॉर्मल नहीं है या ये तो नेचुरल नहीं है, ऐसा नहीं बोलते ना? कोई भी किसी किसी का होता है सोचते वो हैं। भी, ऐसे कैसे दिखता है तुझे, या मुझे दिखा, आई डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स। है ऐसे भी लोग हैं, इंटरेक्शन तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है हमारा। करेक्ट करेक्ट राइट। बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ अगर भगवान हमें दिख भी रहे हैं, भगवान हमसे कुछ कह भी रहे हैं, तो उसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। भले ही कुछ लोग हमको बोलें कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ सच में भगवान हमें दिखे हैं। राइट करेक्ट। तो जो मीडियमशिप की भी हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर भगवान के अलावा अगर इस सृष्टि के अंदर और लोग कौन हैं? हम हैं, जानवर हैं, है ना, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, रॉक्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो हर चीज की एक टाइम है जब तक वो इस दुनिया में जीवित रहती है ना? अगर हम जीवन को वैसे डिफाइन करें कि जीवन मतलब कि इस दुनिया में जो जीते हैं वो जिंदा हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे वो मर गए। राइट। सो हमारे हिसाब से डेथ हैपेंस एज सून एज वी लीव द बॉडी एंड वी आर नो लॉन्गर इन अ फिजिकल फॉर्म। करेक्ट। लेकिन सोल जो है वो तो कभी नहीं मरती है, ये तो हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। हम गीता, हर किसी ने गीता पढ़ी है, गीता के श्लोक सुने हुए हैं। राइट। और जब मृत्यु भी होती है तभी भी हम गीता पढ़ते हैं, तो उसमें तो ये लिखा ही है, और कृष्ण की वाणी में हमने ये सबने सुना हुआ है, या किसी भी रिलीजियस बुक में, चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये अंदाजा हम सबको है कि देर इज अ सोल एंड सोल लिव्स ऑन। राइट करेक्ट है। हाँ कि नहीं? यस 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 राइट। यस सो फिर हमें किस बात का डर है मरने के बाद? अगर सोल लिव्स ऑन और हम सब जीवित ही रहने वाले हैं, तो चाहे वो तविशा हो, चाहे मोनिका हो, चाहे काजल हो, हम सब तो जीवित ही रहने वाले हैं। फिर मौन किस चीज का कर रहे हैं, किस चीज का हम गम कर रहे हैं, किस चीज दरी का? बोल, अब मेरे को मत डिस्टर्ब कर, दीदी को ही बोल के जा दीदी नहीं, सही है। 1 मिनट, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके।